नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ये वर्ड है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये आपके एंटागोनिस्ट के सीरीज का तीसरा वर्ड होगा। इसके पहले हमने फिजिकल केमिकल देखा, आज बारी आती है इसी रिसेप्टर की, जो कि मेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा आपकी फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। 90% इसी तरह के एंटागोनिस्ट के बारे में हम आगे आने वाले समय में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करेंगे। तो ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट तो जानते हैं जो आपके एगोनिस्ट की एक्टिविटी को नलीफाई कर दे या उनके अपोजिट इफेक्ट शो करना शुरू करें। लेकिन ऐसे एंटागोनिस्ट जो कि किसी न किसी रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होंगे और किसी और रिसेप्टर पे बाइंड होकर के आपके चाहने वाले या ना चाहने वाले एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि किसके लिए आप उस एंटागोनिस्ट को यूज करने वाले हैं, तो वो कहलाता है आपका रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो बात आ जाती है दो सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मोन्स की। पहला होगा आपका इंसुलिन और दूसरा होगा आपका ग्लूकागॉन। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट में काम करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होकर के। क्या कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? इंसुलिन का जो काम है वो आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है, यानी कि ज्यादा को मेंटेन करके रखना होता है नॉर्मल लेवल पे। तो ये जो इंसुलिन है अपने रेस्पेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा और अपने इस एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटी? ब्लड शुगर के लेवल को कम करने की एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है तो इस अनवांटेड एक्टिविटी को, नाउ फॉर सर्कमस्टेंसेस, अगर आपको एंटागोनिस्टाइज करना होगा, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट लेना होगा, तो आप ग्लूकागॉन लेंगे। ग्लूकागॉन क्या करता है? अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा और ग्लूकोज के प्रोडक्शन को फास्ट करेगा। तो एक तरफ इंसुलिन ग्लूकोज के प्रोडक्शन को या ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को अल्टर कर रहा है, प्रोडक्शन को ग्लूकोज के कम कर रहा है, या कहूं कि ज्यादा अच्छा होगा उसके यूटिलाइजेशन को फास्ट कर रहा है, जबकि ग्लूकागॉन आपके ग्लूकोज के लेवल को फास्ट अप कर रहा है। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं, यही कहलाता है आपका रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। समझाने के लिए सिंपल सा एक्सप्लेन करते हैं। ये एक रिसेप्टर है, ये मान लेते हैं जो ब्लैक सर्कल में बनाया हुआ है, ये आपके इंसुलिन का रिसेप्टर है। तो दिस इज अ इंसुलिन रिसेप्टर। नाउ दिस इज इंसुलिन। ये इंसुलिन आपके बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से निकल करके आते हैं और ये जब अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होंगे तो इनके बाइंड होने की वजह से इस ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, इन ग्लूकोज के लेवल को ये कम करते चलेंगे इस तरीके से। तो ये आपके इंसुलिन ने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होकर के इंसुलिन के कारण से ग्लूकोज का लेवल कम हुआ। रेस्पेक्टिवली अगर मैं यहां पर देखूं कि ये हमारा एक रिसेप्टर है जो ग्लूकागॉन को रिप्रेजेंट करता है, नाउ दिस इज द ग्लूकागॉन, ये जो ग्लूकागॉन है वो आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, तो इसका काम क्या होगा? ये अब आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ ये ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम कर रहा है आपका इंसुलिन, जबकि दूसरी तरफ आपका ग्लूकागॉन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। सो दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जा रहा है, मतलब एक दूसरे के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। चूंकि ये जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट है वो इनके अपने अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से मिले हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पूरे फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 को समझने के लिए। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।